సోదరుడు అసద్ గారిని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆహ్వానించవలసిందిగా కత్తి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కోరుతా ఉన్నా. షేక్ ఇమ్రాన్ గారిని కూడా సోదరుడు కత్తి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు పార్టీలోకి ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. శైబాస్ గారిని కూడా కత్తి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు పార్టీలోకి ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. కామిల్ గారిని కూడా పార్టీలోకి ఆహ్వానించవలసిందిగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కోరుతా ఉన్నా. దానిష్ గారిని కూడా పార్టీలోకి ఆహ్వానించవలసిందిగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కోరుతున్నా. రఘు గారిని కూడా పార్టీలోకి ఆహ్వానించవలసిందిగా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కోరుతా ఉన్నా. షేక్ రజాక్ భాయ్ గారు పెద్దలు పెద్దలు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించవలసిందిగా కత్తి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కోరుతా ఉన్నా. ఫిర్దోస్ గారిని కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి కత్తి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని ఆహ్వానించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నా. कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गारी नायकत्वम राहुल गांधी गारी नायकत्वम రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం కంది సినన్న గారి నాయకత్వం కంది సినన్న గారి నాయకత్వం కంది సినన్న గారి నాయకత్వం कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी गारी नायकत्व सोनिया गांधी गारी नायकत्व तेलंगाणा इच्छी सोनिया गांधी गारी नायकत्व तेलंगाणा इच्छी सोनिया गांधी गारी नायकत्व इपड़ मन मुंदर आदिराबाद लेखकर భవిష్యత్తులో ఇంకో మూడు నాలుగు మాసాల నాడు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మనందరి ముందుకు రాబోతున్నటువంటి వ్యక్తి యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు విద్యావేత్త ఒక జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని శాసిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు చదువు సంస్కారం లేనటువంటి వ్యక్తి జోగు రామన్న నాటి చదువు లేని వ్యక్తి లారీ క్లీనర్ గా జీపు క్లీనర్ గా చేసినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుడు పాయల్ శంకర్ తోడు దొంగరిల్లు వీళ్ళని అంబేద్కర్ చౌక్లో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు తొడగొట్టి సవాల్ చేసి వారిని మార్గేశాభివృద్ధి కార్యక్రమాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నటువంటి దమ్ము ధైర్యం ఉన్న వ్యక్తి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు సోదరునారా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి మనందరికి ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటాడు ఏ కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా మనలో భాగస్వామిగా ఉంటాడని చెప్పి కుటుంబ సభ్యుడిగా ఉంటాడని చెప్పి మీ అందరికి తెలియచ్చు. ఇప్పుడు సోదరుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని తన అమూల్యమైన సందేశం ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. సమీప గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. हमारे को बहुत खुशी हुई गणेश सिंह सर अपन कांग्रेस में आ चुके हैं और इनका सपोर्ट करना चाहिए और हम अभी तक कोई लीडरशिप में घूमे नहीं और गणेश सिंह साहब के साथ हम दम लगा के चलेंगे. जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय जय कांग्रेस फर्स्ट टाइम में बोलने को मिले और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे मैं ऐसे ऐसे जवाब दूंगा इनके स्पीक के बारे में जो तो हिम्मत का हमारे साथ लगाए है और इनके साथ हम दम लगा के साथ दीजिए और गणेश साहब हमारे साथ हिम्मत देना हमारे कभी भी हम फोन करेंगे तो हमारे साथ आना चाहिए और कभी भी हम कॉल करेंगे रात को भी फोन उठाना चाहिए.
जय भीम सतरिया काल आज सलाम वालेकुम कबीर रेड्डी साहब जिंदाबाद 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 जय भीम। इपड़ो सोदरुलु मन मुगर तुम्हें सदेश श्रीनिवास रेड्डी गारिनि सलीम गारी सलीम भाई के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 वार्ड नंबर 16 से हमारा माइनॉरिटी के सब कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे उसको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कांग्रेस पार्टी में सबको आपका स्वागत। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में था तब माइनॉरिटियों का भलाई के लिए आदिलाबाद के भलाई के लिए बहुत कुछ किया। इधर माइनॉरिटियों को 4% रिजर्वेशन किया और माइनॉरिटियों के लिए लोना हमारा जब कांग्रेस पार्टी हुकूमत में था आदिलाबाद के जनता के लिए सब कुछ किया। आदिलाबाद में 20,000 से ज़्यादा प्लाटा गरीबों को पिछड़े हुए एससी एसटी बीसी माइनॉरिटियों को दिए वाले पार्टी कांग्रेस पार्टी। ऐसा कांग्रेस पार्टी को सब एससी एसटी बीसी और माइनॉरिटी भाइयों को मैं एक ही बात बोलने चाहता है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ गरीबों का साथ। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद में जब सत्ता में था बहुत कुछ किया और रिक्स दवाखाना बनाया माइनॉरिटियों को लोन्स दिलवाया और एससी एसटी बीसी लोगों को लोन्स दिलवाया। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में था सातनाला प्रोजेक्ट बनाया लक्ष्मीपुर रिजर्वायर बनाया रिम्स हॉस्पिटल बनाया मत्तड़ीवागु प्रोजेक्ट बनाया और सोनखास प्रोजेक्ट बनाया। आदिलाबाद में रोडा नालिया सब डेवलपमेंट जब कांग्रेस पार्टी में सत्ता में था हुकूमत में था तब ये पूरा काम किया। ये बीआरएस का बीआरएस टीआरएस एक नंबर के चोर जोगू रामन्ना आदिलाबाद को सत्यानाश कर रहे हैं। जोगू रामन्ना और उसका दोनों बेटे आदिलाबाद के लिए एक सत्यानाश कर रहे हैं। सबको चूतिया बना के झूठा वादा करके एक रेशन कार्ड भी नहीं दिलवा रहे। 3 साल 4 साल से लोग पेंशन के लिए वेटिंग कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे। डबल बेडरूम का वादा किया वो वादा भी पूरा नहीं किया और 1 लाख का कर्ज माफी वादा किया वो भी पूरा नहीं किया। विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे बहुत झूठा वादा करके 3,000 बेरोजगार भत्ता वादा किया वो भी वादा पूरा नहीं किया। जोगू रामन नहीं है ये इसका नाम है झूठा रामन्ना निकम्मा रामन्ना एक नंबर चोर है जो आदिलाबाद को सत्यानाश कर रहे हैं। जोगू रामन्ना और जोगू रामन्ना का दोनों बेटे आदिलाबाद में पूरा लोगों को चूतिया बना के एक घर भी आदिलाबाद में डबल बेडरूम एक घर भी नहीं बनाया गांव में एक प्लॉट भी नहीं गरीबों को नहीं दिया। मगर जोगू रामन्ना का छोटा बच्चा हैदराबाद में 30 करोड़ से घर बनाया। 30 करोड़ से घर बनाने का पैसा कैसे आया आपको जोगू रामन्ना ये बताना चाहिए लोगों को जवाब लोगों का सवाल को जवाब देना चाहिए। और हमारा युवा हमारा माइनॉरिटी हमारा एससी बीसी एसटी सब पिछड़े हुए लोग जोगू रामन्ना को चित्तू चित्तू हराने के लिए तैयार है। अभी आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी अगले आने 5 महीने में इलेक्शन चुनाव आ रहे और चुनाव में आदिलाबाद में 40,000 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा कांग्रेस पार्टी जीतेगा। मैं आदिलाबाद की जनता को एक ही मेरा विज्ञापन है मेरा विनती है आप जोगू रामन्ना को 4 बार मौका दिए
चार बार एमएलए जिताए, मुझे कंदी श्रीनिवास रेड्डी को एक मौका दे दिए, सिर्फ एक मौका दे दीजिए, आदिलाबाद को डेवलपमेंट ऐसे 5 साल में करवा देंगे, हमारा युवाओं को एससी एसटी बीसी माइनॉरिटियों का भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी का हुकूमत आ रहा है उसमें कंदी श्रीनिवास रेड्डी को एक मौका दीजिए, एक चांस दीजिए, आदिलाबाद का डेवलपमेंट ऐसा करेंगे कि जो 15 साल में जोगू रामन्ना नहीं कर पाए हम 5 साल में वो डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। एक भैंस चलाने वाले जोगू रामन्ना को दीपाईगुड़ा में भैंस चलाता था, वो जोगू रामन्ना 12वीं क्लास भी फेल हो गया, 12वीं क्लास भी फेल होने वाला जोगू रामन्ना को 4 बार मौका दिए। मेरे को कंदी श्रीनिवास रेड्डी, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएट हूँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हूँ, मैं अमेरिका में काम किया, अमेरिका में पढ़ाई किया, 13 साल अमेरिका में कंपनी लगाया, नौकरी किया, मुझे 2 साल से आपका राजनीति में आके आदिलाबाद जनता को सेवा कर रहा हूँ। मैं आदिलाबाद जनता से एक ही विनती है, मुझे एक मौका दीजिए, जोगू रामन्ना को हरा के कंदी श्रीनिवास रेड्डी को एक मौका दीजिए, आदिलाबाद का डेवलपमेंट हम 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 करेंगे, ऐसा डेवलपमेंट करेंगे, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, आदिलाबाद का पूरा डेवलपमेंट कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद करेंगे। और कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में सभी लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए दे दिया जाएगा, जिन्हों लोग घर नहीं है वो इंदिरामा घर जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था वो बनाया था, अब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगा हम बनाएंगे, एक परिवार को 5 लाख रुपए देंगे और 4000 रुपए का पेंशन देगा कांग्रेस पार्टी हर एक आदमी को, दादा को 4000, दादी को 4000, दोनों को 8000 का पेंशन मिल जाएगा। तो आदिलाबाद की जनता, ये बात मेरा विनती है, 4000 रुपए पेंशन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद आपको पेंशन दिया जाएगा, और बेरोजगार भत्ता महीने में युवाओं जो पढ़े लिखे हैं उसको महीने के 4000 रुपए मिल जाएगा, वो 4000 रुपए से आप अगले पढ़ाई और हायर एजुकेशन कर सकते हैं आप। और कांग्रेस पार्टी आने के बाद किसान को 2 लाख का कर्ज माफी करेंगे हम, और किसानों को रैतु बंधु 1 एकड़ को 15000 रैतु बंधु मिलेगा, सभी रैतों किसान कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत कीजिए, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद मुफ्त में 5 लाख तक इलाज कर सकते हैं हम करवा देंगे, हार्ट पेशेंट से जिसका पैर टूट गया जिसका हाथ टूट गया हम 5 लाख तक मुफ्त आरोग्यश्री ऑपरेशन करवा देंगे, और सबको गैस सिलेंडर अभी 1200 रुपए 1300 रुपए है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 18 वर्ष जो पूरे किए गए बालिका विद्यार्थियों को एक मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी मिल जाएगा, मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी, उससे कॉलेज को जा सकते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी आने के बाद जो विद्यार्थी पढ़ रहा है बालिका और बाल विद्यार्थी मेल एंड फीमेल लेडीज एंड जेंट्स को मुफ्त में कॉलेज फीस बना देंगे कांग्रेस पार्टी आपका कॉलेज फीस पेमेंट करेगा, आपको मुफ्त में एजुकेशन कर सकते। तो कांग्रेस पार्टी गरीबों का पार्टी, कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करो, और कांग्रेस पार्टी को आपका वार्ड में जहां नेता सलीम भाई के नेतृत्व में आपका सलीम भाई एक अच्छा लीडर है, उसका नेतृत्व में खुर्शीद नगर में और आदिलाबाद टाउन में और गांवों में भी बेला मंडल जैनत मंडल आदिलाबाद रूरल मंडल मावल मंडल में भी कांग्रेस पार्टी का हाथ मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना, आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी को जिताना आपका सबका काम है। एक एक कार्यकर्ता 100 घर को जाके बताना है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या क्या मिलता है गरीबों को,
एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी पिछड़े हुए लोगों को कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या मिलता है, आपको हर एक घर को जाके गड़पा गड़पा को जाके हम बता देना कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। बता देंगे क्या आप? बिल्कुल बता देंगे। बहुत बढ़िया, आपसे ये विनती करता हूँ और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र एक बार सब हम इधर घोषणा पत्र को ला लीजिए, पैम्पलेट्स और पॉकेट फोल्डर्स ला लीजिए। हम खुर्शीद नगर वार्ड नंबर 16 के कार्यकर्ता के सामने हमारा कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी घोषणा है युवा डिक्लेरेशन में रायतू डिक्लेरेशन में किया वो इधर 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 कोई बात नहीं, एक एक पैम्पलेट दे सकते, एक कार्ड्स दे सकते, आओ इधर आओ भाई साहब, चलो सबको बांटो सबको बांटो सबको दे दो सबको वो बांटेगा, हाँ बांटो सबको बांटो भाई साहब, वो हिंदी में है और आपको सबको बांटो उसको दे दो वो बांट लेगा। कांग्रेस पार्टी ऐसा ऐसा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कंधे श्रीनिवास रेड्डी कंधे श्रीनिवास रेड्डी कंधे श्रीनिवास रेड्डी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी रेवंत रेड्डी रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी। ये मैनिफेस्टो में आपको 10 आप ये मैनिफेस्टो देखिए तो पहला आपको 5 लाख का घर पहला नंबर है, सेकंड नंबर है आपका दादा दादी को वो एक 5000 दोनों को मिला के पेंशन, ये पुराना था अभी नया वाला आ रहा है, एक एक दादा को 4000 दादी को 4000 का पेंशन मिल जाएगा राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया, और 3 बेरोजगारी भत्ता और 18 वर्ष के ऊपर बालिका विद्यार्थियों के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी, 15,000 के रैतु बंधु और काउल रैत के लिए भी 6 और 2 लाख का ऋण माफी, 7-12,000 उपाधि हामी कुलियों के लिए प्रति वर्ष 12,000 रुपए, 8 भूमिहीन किसानों को भी 5 लाख का किसान बीमा और 9,500 रुपए में सिलेंडर, 10 फीस रीएम्बर्समेंट दिया जाएगा सब कांग्रेस पार्टी का सत्ता में आने के बाद। ये पूरा 10 आप 10 घोषणाएं आप घर घर जाके बता देना चाहिए, कोई भी आप कुशीनगर में ही नहीं पूरा आदिलाबाद टाउन में जैनक मंडल में मावला मंडल में रूरल मंडल में बेला मंडल में आप जाके हमारा घोषणाएं जनता को बताना चाहिए। बताएंगे क्या आप? बताएंगे क्या? बहुत बढ़िया, आपको देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, ये बात आपको बताते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आदाब, सलाम अलैकुम, नमस्ते, धन्यवाद, शुक्रिया। सलीम भाई सलीम भाई बहुत बहुत वेलकम वेलकम बहुत भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तेलुगु बातम्या प्रसारणाच्या क्षेत्रात मराठी बुलेटिन प्रसारित करणे हे पहिले चॅनल आहे अम्मा न्यूज। तुमच्या स्थानिक भाषेत तुमच्या स्थानिक बातम्या।